हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष। तो आज के इस नए वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने जाएंगे रेडमी K20 और K20 प्रो के बारे में कि क्या आपको इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में आज लॉन्च हो गया है रेडमी K20 और K20 प्रो का। तो क्या है भाई, प्राइसिंग क्या है? तो आपको 28,000 का दो वेरिएंट लॉन्च हुआ है K20 प्रो में। तो उसमें आपको पड़ जाता है, आपको एक पड़ता है 6GB 128, आपको पड़ता है 28,000 में। और फिर आपको 8GB RAM 256GB का वेरिएंट आपको पड़ जाता है 31,000 रुपीज़ में। तो ये बात गौर रखिएगा कि जो भी आदमी पहले सोच रहे थे कि रेडमी K20 आपको मतलब ये पोको का नया रूप है या पोको की जगह लेगा, तो मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है। क्योंकि पोको जिस हिसाब से प्राइसिंग में लॉन्च हुआ था, उस प्राइसिंग के हिसाब से K20 प्रो लॉन्च नहीं हुआ है। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि K20 प्रो अपने हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। जिस प्राइस रेंज में उसने अभी लॉन्च किया है, वो प्राइस रेंज बहुत ही अच्छा है। तब पर भी अगर आप देखा जाए तो पोको के हिसाब से, तो पोको के हिसाब से K20 प्रो मतलब प्राइसिंग मैच किया जाए, स्पेसिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइसिंग देखा जाए तो ऑफकोर्स ये आपको मैन्यू जो वैल्यू उस टाइम दे रहा था पोको, वो अभी K20 नहीं दे रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको जो पहला वेरिएंट था वो मेरे को लगता था कि वो 25 में वो अगर सेल करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, 25 to 24, तो वो प्राइसिंग बहुत ही अच्छी होती। और दूसरा वेरियंट जो है 8 to 256, तो वो ऑफकोर्स 28 में रखते तो 28 to 29, या मान के चलो आप मेरे हिसाब से 30 भी रखते तो सही होता, 31 है। तो ये ऑफकोर्स आप देखा जाए तो पोको का वेरिएंट से ऑफकोर्सली ये ज़्यादा है। पोको का वेरिएंट में आपको 28 अभी पड़ रहा था मेरे हिसाब से 8 to 256। और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन आप जानते ही हैं, आपको इसमें 6.39 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो फुल एच डी है, 300 nits की उसकी ब्राइटनेस मिल जाती है, 91% के आपको बॉडी रेशियो मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 855 मिल जाता है, टर्बो गेम टर्बो मिला गेमिंग के लिए है, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, वो भी पॉपअप कैमरा मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको तीन कैमरेज मिल जाते हैं, एक है आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, एक है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक है 8 मेगापिक्सल का जूम, तो टेलीफोटो जिसे बोलते हैं। तो ये आपको तीन कैमरेज मिल जाते हैं। ओवरऑल स्मार्टफोन आपका बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। पर हाँ, जैसा कि मैंने अभी शाहरुख भाई का वीडियो देखा कि उन्होंने बोला कि K20 को बाय ना करें, तो उन्होंने रीज़न ये दिया कि उनका जो एक्सपीरियंस रहा रेडमी नोट 7 के साथ सॉफ्टवेयर का। तो ये चीज़ मैं भी बोलूँगा कि शाओमी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं देख रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे हाथ में पोको F1 है, तो Poco 1F में भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर के इश्यूज आ रहे हैं। स्मार्टफोन कभी कभी ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाता है, ये बग बोलो या कुछ भी बोलो, अचानक कभी कभी मतलब फ़ोन कभी कभी स्टटर ऐसा होता है कि एक सेकेंड या मतलब 2-3 सेकेंड के लिए ऐप उसमें क्रैश हो जाता है। तो ये चीज़ 845 के साथ होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, भले ही आज इतना मतलब ऑफकोर्स ये थोड़ा ले ये एकदम नया प्रोसेसर नहीं है 845, पर 845 अपने टाइम में ही बीस्ट है। आप भले ही 845 को कंपेयर करो 855 से, तो बोला जाता है कि 45% का बूस्ट मिलता है, तो ये कोई बेकार नहीं है। 845 बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अभी भी स्नैपड्रैगन की तरफ से टॉप 3 में आता है, तो सेकंड में 845 आता है, थर्ड में 730 आता है। तो भाई इतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होने के बावजूद शाओमी वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ख़राब है, इन्हें सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, भले ही अपडेट अच्छी आती है, आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, पर जैसा कि शाहरुख भाई ने भी बोला, स्टेबिलिटी के ऊपर उन्होंने अभी भी ध्यान नहीं दिया है, जैसा कि नोट 7 के साथ हो रहा है। नोट 7 का जो कैमरा लैग अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, तो वो पता नहीं कब उसे फिक्स करेंगे, क्या होगा। तो मैं आपको रेकमेंड अभी करूँगा कि मैं अपने तरफ से भी रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ी देर मतलब थोड़ा दिन वेट कर लो, K20 को आने दो, थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस
सबको कर लेने दो कि कैसा है स्मार्टफोन, स्टेबिलिटी चेक कर लो आप सॉफ्टवेयर का, तब बाय करो। अभी आप इतना ज़्यादा आप K20 की तरफ पागल ना बनो और जा कर के डायरेक्ट सेल में बाय मत कर लेना भाई। जो जो पहले बाय कर चुके हैं या पहले से पैसा दे चुके हैं अल्फा सेल के लिए, तो मैं उन्हें बोलूँगा भाई आप ऑन अ 50-50 मैच कर रहे हो। 50-50 हार्डवेयर बहुत ही अच्छा है, पर 50-50 में ये है कि सॉफ्टवेयर का उसका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको। देखिए Xiaomi का स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, जब भी आप Xiaomi का स्मार्टफोन लोगे, नए हार्ड सॉफ्टवेयर जो वो देते हैं पहले सबसे पहला, तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। पर दिन ब दिन वो सॉफ्टवेयर को या तो जो हार्डवेयर को होता है वो डाउन करते जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ से, या तो फिर उनमें बग आते जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनके कारण मैं अभी खुद आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी जस्ट जाके आप बाय मत करो, कुछ दिन वेट करो, मार्केट में आने दो स्मार्टफोन को, आदमी को यूज़ करने दो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम रहा तो प्रॉब्लम भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये कोई भी नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो उस टाइम कोई भी नहीं बता सकता कि क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि पोको F1 में भी आया था, डिस्प्ले जो टच इशू था वो पहले तो नहीं पता चला, जब धीरे धीरे यूज़ होने लगा तो डिस्प्ले का इशू आया, टच का आया, फिर आपको वो हीट बर्न वाला है जो कहीं कहीं डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रहा था, वो भी आपको दिक्कत पता चला। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा देर वेट करो, Xiaomi का स्मार्टफोन आने दो मार्केट में, उसे अच्छी तरह से यूज़ होने दो। मतलब ये नहीं कि 2-3 महीने बाद लेना, हाँ, पर कुछ दिन उसे कम से कम 10-15 days टाइम दो। अफकोर्स इतने दिन आपने वेट किया है, तो जब 3 weeks आपने वेट किया है तो इतने दिन भी आप वेट कर सकते हो, कम से कम 15 days तो आप वेट कर ही सकते हो, अगर आपको अपना स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो। नहीं तो फिर आप भाई आप चाहे तो जो भी स्मार्टफोन परचेस कर सकते हो, तो उसके ऊपर तो कोई रोक है नहीं। इस वीडियो में यही था भाई लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, पीस आउट।